झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले आरिफ खान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी कि उसके साले शहजाद अली ने उसे 12 लाख उधार लिए थे, जिन्हें लौटाने का वादा 4 महीने में किया था। अब शहजाद ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और धमकियां भी दे रहा है कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया जाएगा। आरिफ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अपने पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई है। इसको मैंने पूरा लोन उठा के दिया था 8 लाख रुपए का, और 4 लाख रुपए मैंने दिए थे अपनी गाड़ी बेचकर, अपनी औरत के जेवर बेचकर। इसकी मैंने एप्लीकेशन भी डाली थी 9 नंबर चौकी में। इसको बुलवाया गया था तो जो आया था इसने बोला था कि मेरे को 4 महीने का समय दे दो, तो इसको 4 महीने का मैंने समय दे दिया था। उसके बाद हम पैसे लेने जाते हैं तो जो मांगने की धमकी देता है, कहता है हम तुमको उल्टा फंसवा देंगे अपने मतलब औरत के बारे में, कि हम अपनी औरत से कह के तुम्हारी पर उल्टे सीधे मुकदमे लगवा देंगे। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। देर रात भेड़िए ने घर में सो रही 2 साल की मासूम बच्ची अंजलि को मां की गोद से छीन ले गया और 1 किलोमीटर दूर उसका शव फेंक दिया। इस हमले में 2 बुजुर्ग महिलाएं भी घायल हुईं। इस घटना के बाद डीएम मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। महसी बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। सोमवार तड़के भेड़िए ने 2 साल की बालिका पर हमला कर उसे मार डाला और उसके शव को कुछ दूर पर फेंका। रात को भेड़िए ने महिला कमला देवी पर भी हमला किया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वन विभाग और पुलिस की टीमें भेड़िए को पकड़ने में जुटी हैं। ये गांव जिसमें घटना हुई, इस गांव में ये पहली जो है मृतक वाली घटना हुई है और 2.5 साल की बच्ची को उठाया गया है। इस अभियान में यही दिक्कत आ रही है कि जो भी भेड़िया है वो लगातार नए गांवों को चिन्हित कर रहे हैं। जिन गांव में पहले घटनाएं हुई या घायल हुए, वहां पे बड़ी मात्रा में हमारी टीमें पुलिस की और प्रशासन की भी लगी हुई है, वन विभाग भी कार्य कर रहा है और 4 भेड़िए पकड़े भी गए हैं। रायबरेली के लालगंज थाना के अंतर्गत बदमाशों ने सराफा व्यवसायी हरिओम सोनी पर हमला कर दिया। हरिओम को आभूषण भरा बैग छीनने का विरोध करने पर गोली मार दी गई। घटना के समय हरिओम अपनी दुकान की ओर जा रहा था। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, जिससे बदमाश भाग गए। हरिओम को CHC में गंभीर हालत में भर्ती किया गया है और बाद में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। यह प्रकरण थाना लालगंज का है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई, एक व्यक्ति की गोली लग गई है। तत्काल ही पुलिस टीम द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा घटना का मौका मुआयना किया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि उस व्यक्ति के पास एक बैग था, उसमें कुछ आभूषण थे। अभी पीड़ित की हालत ठीक है, उन्हें लखनऊ के लिए और जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। परिजनों से पुलिस संपर्क में है, उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ललितपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गैर विभागीय और निर्वाचन संबंधित कार्यों में ना लगाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों के काम थोपे जाने की वजह से वो अपने मुख्य काम सही तरीके से नहीं कर पा रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अनुरोध किया कि उन्हें केवल अपने विभागीय कार्य ही सौंपे जाएं। समस्या ये आ रही है श्रीमान जी कि जो हमारे ICT विभाग से संबंधित जो बच्चों का कार्य है, कुपोषण का कार्य है, बच्चों का वजन का काम है, जो रजिस्टर भरने का काम है, गर्भवती धात्री महिलाओं की देखरेख का कार्य है, वो तो हम इन सब कार्य के बोझ के तले तब जाते हैं तो कर ही नहीं पाते। जब ये सेवाएं हमसे बाधित हो रही है तो हम अन्य काम कैसे करें। हमारा उद्देश्य, हमारे ICDS का उद्देश्य है कि बच्चों को देखना, कुपोषण दूर भगाना, बच्चों के शिक्षा देना, तो जब ये समय ही नहीं होगा तो हम ये काम कब करेंगे। इन काम करने के लिए हमें समय चाहिए। जब अन्य सर्वों में लगे रहेंगे, BLO के कार्य में लगे रहेंगे तो हम काम कब करें। तो मेरी मांग यही है कि हमें इन सब कार्यों से मुक्त कर दिया जाए। बांदा में अनियंत्रित बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ ने ललितपुर में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा। प्रधानों ने 5 सूत्रें मांगे रखी, जिसमें मनरेगा मटेरियल के भुगतान में देरी, ड्रीम प्रोजेक्ट्स के लिए बजट की कमी और प्रधानमंत्री आवास सूची में पात्र व्यक्तियों को शामिल करने की मांग है। प्रधानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ललितपुर में जो 6 ब्लॉक हैं, यहाँ के जो BDO हैं, इन लोगों ने कई पंचायतों के साथ भेदभाव करते हुए और जिन प्रधानों से इनकी सेटिंग हो गई, उन ग्राम पंचायतों के इनने मटेरियल के पेमेंट कर दिए हैं। बाकी ग्राम प्रधान दर दर की ठोकरें खा के
डेढ़ साल से मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ है, लगभग डेढ़ साल बाद भुगतान आया है। प्रधान लोग कर्जा लेकर के निर्माण के कार्य करा रहे हैं, पैसा डेढ़ साल बाद भुगतान होना था, लेकिन वो भुगतान पक्षपात करते हुए कई ग्राम पंचायतों के फुल पेमेंट कर दिए हैं और कई ग्राम पंचायतों के इनने कोई पेमेंट नहीं किया है। इसके कारण आज जनपद ललितपुर के सारे प्रधान माननीय जिलाधिकारी और सीडीओ साहब के पास अपनी बात रखने को आए हैं। श्रावस्ती में डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशन पर स्टाम्प वेंडरों का निरीक्षण किया गया। तहसील इकौना में नायब तहसीलदार प्रांजल त्रिपाठी और रजिस्ट्रार ने सभी स्टाम्प वेंडर की दुकानों की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान कई दुकानें बंद पाई गई, जिससे विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और अफरातफरी का माहौल बना। झांसी के दाऊनगर में फरवरी 2023 से चल रहे अपेक्स रोड पर नाली निर्माण में देरी और ठेकेदार की लापरवाही से क्षेत्रवासियों को समस्याएं हो रही हैं। ठेकेदार ने खराब गुणवत्ता का रोड बनाया, जिससे जलभराव की समस्या हो गई। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने गड्ढे भराई की मिट्टी बेच दी और अधिकारियों को पैसे देकर रोड पास करवा लिया। क्षेत्रवासियों ने उच्च अधिकारियों से रोड की जांच और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समस्या यही आ रही है कि रोड डलने के बाद जल भराव की समस्या बढ़ गई है, नालियों में प्रॉपर काम नहीं हुआ है और निचाई कर दी है और आगे ऊंचाई है, जिस वजह से पानी नहीं निकल पा रहा है। नालियों का पानी भर जाता है, लोग निकल नहीं पाते हैं, मतलब एक अव्यवस्था है पूरे मोहल्ले में। शिकायत वगैरह नहीं की थी? शिकायत करने के बाद कोई हल नहीं हुआ है। अच्छा, और अभी सब समस्या वही की वही बनी हुई। क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ पर दोबारा से इसकी जाँच हो और ये जल भराव की समस्या को खत्म किया जाए। झांसी में संयुक्त मीडिया क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश यादव ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें महुआ के पत्रकार अनीश मंसूरी पर हुए हमले की शिकायत की गई। पत्रकार अनीश मंसूरी, जिन पर आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया, ने बताया कि हमलावरों में से कुछ के पास तमंचे भी थे। क्लब ने दबंगों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। महुआ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अनीश मंसूरी, और हमारे क्लब संयुक्त मीडिया क्लब के वो पदाधिकारी भी हैं। वो सराफा मार्केट में महुआ में खड़े हुए थे, और उसी दौरान एक उनके मोबाइल पर कॉल आई, और कॉल आने के बाद लगभग 6 दबंगा है, जिनमें दबंगों के पास असलाह भी थे, और उन्हें डराया धमकाया और हमलावर हो गए। उसके बाद शिकायत की गई, लेकिन उन शिकायत पे ना उनकी गिरफ्तारी हुई ना कोई कार्रवाई हो रही है। कन्नौज में रेप मामले में सहयोग की आरोपी पीड़िता की बुआ पूजा तोमर ने जमानत अर्जी दाखिल की है। आरोपी के अधिवक्ता भूपेंद्र तोमर ने यह अर्जी विशेष पॉक्सो कोर्ट में 7 सितंबर को पेश करने के लिए दी। पूजा तोमर को 22 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पूजा तोमर के ऊपर यह आरोप लगा था कि इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र करते हुए बलात्कार होने में सहयोग किया, और उस पीड़िता को नाबालिग जो भतीजी है, पूजा तोमर की सगी भतीजी दिव्या जो पीड़िता है, उसको कपड़ा उतारने के लिए विवश किया और खरीद फरोख्त की। ऐसे गंभीर आरोप लगाते हुए पूजा तोमर को जेल भेजा है, जिसमें हमने आज जमानत मान्य अदालत में पेश किया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 2 चीतलों के शिकार और वनकर्मी से बंदूक छीनने के मामले में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों ने मुठभेड़ के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शिकारियों में से एक हेड कांस्टेबल भी शामिल है। पुलिस ने वनकर्मी से छीनी गई बंदूक भी बरामद कर ली है। माला फॉरेस्ट रेंज में कुछ शिकारी अंदर घुस गए थे और 2 चीतल का शिकार किया था, और उसी शिकार के दौरान फॉरेस्ट विभाग के लोग जो इनको ढूंढने अंदर पहुंचे थे, उनके हाथ से एक शस्त्र लेकर भाग गए थे। कल इन लोग द्वारा दोबारा इस प्रकार का प्रयास किया गया और ये वन क्षेत्र में घुसे फिर से वैसी घटना शिकार करने के लिए, पर कर मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस पहले से ही काफी सतर्क थी उस क्षेत्र में, तो कल घटना के दौरान हमने इनको पकड़ा है। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र के मंगोलपुरा गांव के खेतों में एक जंगली हाथी ने दयाराम नामक ग्रामीण को मार डाला। दयाराम खेत में मचान पर बैठा था, जब हाथी ने उसे सूंड से उठा लिया और 70 मीटर दूर ले जाकर मार डाला। अन्य ग्रामीण चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दयाराम की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तराखंड में हरिद्वार के सुमन नगर से जुड़ी मुख्य सड़क की हालत बेहद ही खराब है। सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सिडकुल हाईवे से सुमन नगर पंचपुरी तक सड़क पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और गहरे गड्ढे और खाई दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। पैदल यात्री सुरक्षित नहीं है और कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोग और वाहन चालक इस स्थिति से परेशान हैं। ठेकेदार व अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल किया सर आपने, जनप्रतिनिधि आप और आपके चैनल के माध्यम से, मैं जो सुमन नगर का अध्यक्ष टीरी बांध पुनर्वास का,
ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपने खुद भी देखा होगा कि जो सिडकुल धनौरी बाईपास की जो रोड बनाई गई है, इस रोड में अगर आप पथरी पावर हाउस से चलें तो सबसे पहले पथरी पावर से करीब 100-150 मीटर आगे में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है, सड़क की ढलान है और एक साइड में वो नीचे धसक रही है। उससे आगे आप आएंगे तो पुलिया के पास आपने देखा कि जो अभी 1-1.5 साल पहले जो दीवार बनी थी वो दीवार जो है टेढ़ी हो चुकी है और ढल गई है, और वहाँ से आना भी कभी भी वो किसी गर से कोई बड़ा वाहन अगर वहाँ पर आता है तो वहाँ पर कोई बड़ा भारी हादसा होने की पूरी पूरी संभावना है। बताए सर इस पर चलना, हम तो डेली इस पर ड्यूटी जाते आते हैं और सड़क की हालत ही ख़राब है, जगह जगह पर गड्ढे हैं और इस रोड की बदतर से बुरी हालत है। बहुत बुरा हाल है इस सड़क का, तो परेशान हो गए इस बोलते बोलते बस क्या बताऊँ सर, बहुत बुरा हाल है, कई बार पलट गए हमारे इसमें। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के बाहर किले में पूर्व सभासद का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे हड़कंप मच गया। मृतक के बेटे आरिफ ने बताया कि उनके पिता कल से लापता थे और आखिरी बार उन्हें पास के मकान में देखा गया, जिनका शव आज सुबह छत पर मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है।